कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई दूज के त्योहार पर इस बार एक खास संयोग बन रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार जो भाई दूज मनाएगा उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। वहीं ज्योतिषों की माने तो इस बार भाई दूज के अवसर पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान माथे पर टीका लगाने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। बताया जा रहा है कि इस साल भाई दूज का त्योहार 14 और 15 नवंबर यानी कि मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस साल भाई दूज की तिथि यानी कि द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी, जो 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक चलेगी। इस तरह से ये पर्व दो दिन मना सकते हैं, इसीलिए आप इस दिन 14 नवंबर के बाद से अपने भाई को टीका कर सकते हैं। अगर आप 14 नवंबर को टीका नहीं कर पाए तो आप 15 नवंबर के दिन दोपहर 1:47 तक टीका कर सकते हैं। भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे तीसरे दिन आता है। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस पर्व को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही व्रत भी करती हैं। जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं, उसी तरह भाई दूज के दिन भी बहनें भाइयों का रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। देशभर में इस त्योहार को मनाने की अलग अलग मान्यता है। जहां उत्तरी भारत में बहनें भाइयों को तिलक और अक्षत लगाती हैं और नारियल का गोला भेंट करती हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में शंखनाद के बाद तिलक लगाकर कुछ भी उपहार देने की मान्यता है। कहा जाता है कि भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और यमराज का भय नहीं रहता। वहीं ये भी मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। साथ ही भाई दूज मनाने से भाई बहनों को सुख समृद्धि संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है।